is a mobile toilet. It's a bookcum toilet, a toilet from France. हेलो दोस्तों, हमें आपके होस्ट आपके दोस्त मोहित और सचिन और स्वागत है आपका एमएस ब्लॉगर्स में। और आज अमीन ने लेकर के आए सचिन कहाँ लेकर के आया अमीन ने? आज हम आपको लेके आए हैं सुलभ इंटरनेशनल टॉयलेट म्यूजियम में। तो मुस्कुराइए, आप सुलभ सुलभ में है, यहाँ की टैगलाइन है ये। मतलब आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी कोई एक म्यूजियम हो सकता है यहाँ पर। नहीं, मैंने नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था। तो आज यहाँ पर मतलब सुलभ इंटरनेशनल टॉयलेट म्यूजियम में, बिल्कुल पुराने टाइम पे कैसे टॉयलेट यूज होते थे और अभी यूज हो रहे हैं, कैसे यूज होते हैं और अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में किस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज होती है टॉयलेट में, वो सब यहाँ दिखाई गई हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और टॉयलेट के कितने टाइप के यूजेज हैं। बिल्कुल, मीथेन गैस बन सकती है उससे, इलेक्ट्रिसिटी कैसे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, उसका जो वाटर प्लांटेशन कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल उसका जो पानी भी अलग से रिफाइन करके उसको प्लांटेशन में यूज करते हैं। तूने सोचा था कभी ऐसे होता है? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था भाई, यहाँ के पता चला। मैं तो सोचता था शिट है, तो मतलब लोग आजकल इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, लेकिन इसका इतना सारा यूज है। करेक्ट, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंट्री ऑफ दिस प्लेस इज एब्सोल्युटली फ्री, यू कैन कम हियर एनी डे बिकॉज़ इट इज ओपन फॉर ऑल 7 डेज एक्सेप्ट नेशनल हॉलीडेज। Once you reach here, they will provide you a guide who will explain you everything about this place in detail. We got Asu as our guide and now she will explain you about this place in detail. Welcome to Sulabh International Museum. My name is Asu and I'm assistant curator over here. Well, this is the very first toilet museum in the world, which was established in 1992. And Dr. Bindeshu Pathak is the founder of this museum. Now, this one is the very first civilization of India, Mohenjo-daro, which was established in 2500 BC, like 5500 years back. At the time, people were using the sitting type of toilets. These days, we are saying that these sitting toilets are the Western toilet, but in actual, it was discovered like 5500 years back in India. This one is created by that Mohenjo-daro, basically a rainwater harvester, where rainwater has been collected, but people use this place for the ritual practices. And now we have another site, it's Dholavira from Kutch, Gujarat. Dholaviras were the first who start using underground drainage water system. And they use terracotta pipes in their washroom. Terracotta means baked clay, it's porous in nature. So it helps in absorbing the harmful gases which comes out from the washroom. So this is a mobile toilet. मोबाइल टॉयलेट, इस तरह के टॉयलेट्स को आप स्लम एरियाज, कंस्ट्रक्शन साइट, मैरिज सेरेमनी में आपको देखने को मिल सकते हैं। 1000 लीटर वाटर कैपेसिटीज की है और सेपरेट चैम्बर्स हैं इसमें मैन एंड वुमेन के लिए। ये हमारी इजिप्शियन सिविलाइजेशन है 3000 BC से। इजिप्शियंस वो पहले लोग थे जिन लोगों ने स्क्वेटिंग टाइप ऑफ टॉयलेट्स का यूज़ करना स्टार्ट किया। दिस इज वी आर सेइंग दैट द स्क्वेटिंग टॉयलेट्स आर द इंडियन टॉयलेट, बट इन एक्चुअल इट वाज डिस्कवर्ड बाय इजिप्शियन पीपल। Now, these are the toilet etiquettes which are given in Manu Smriti Vishnu Purana. It's a kind of holy book for us. 2nd century AD में जब आर्यंस भारत में आए तो उन्होंने ओपन डेफिकेशन स्टार्ट किया, बट कुछ रूल्स के साथ में कि अगर आप डेफिकेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, वहाँ कोई मंदिर है, रहने का स्थान है या कोई पानी का मतलब वाटर रिजर्वायर है, तो आपको उससे कितनी दूरी बनाकर रखनी, ये सभी चीज़ें मनु स्मृति विष्णु पुराना में दी गई हैं। ये हमारा डबल स्टोरी टॉयलेट है 1920 से USA से। दोनों टॉयलेट सेम है, डिफरेंस ये है अपर वन इज़ फॉर द मैनेजर्स एंड लोअर वन इज़ फॉर द एम्प्लॉयज, एक डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम क्रिएट करने के लिए। लाइक बॉस इज ऑलवेज अ बॉस एंड फॉर द टॉयलेट ऑल्सो ही विल गो अपस्टेयर्स। नाउ द जी बिल्कुल, नाउ दिस इज ब्लैक डेथ इन यूरोप। इन 13th to 14th century पीपल डोंट हैव टॉयलेट एट देयर प्लेस, सो व्हाट दे डू, दे कलेक्ट ऑल द एक्सक्रीटा इन द बकेट एंड एट नाइट दे थ्रो आउट द एक्सक्रीटा ऑन द स्ट्रीट। सारे एक्सिटा को वो बकेट में कलेक्ट करते थे और रात होने पे सड़कों पे फेंक देते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हुई, प्लेग उनमें से एक था और इसी की वजह से यूरोप की 80% से ज़्यादा पॉपुलेशन की डेथ हो गई थी। अब हमारे पास है अमेर फोर्ट जयपुर से 16th century AD से। किंग्स और क्वींस इस तरह के टॉयलेट्स का यूज़ करते थे। डेफिकेशन होल्स होते थे एक रूम के अंदर, नीचे एक डार्क रूम होता था जहाँ पे सारा एक्सिटा कलेक्ट किया जाता था एंड व्हेन इट गेट ड्राइड इट वॉज क्लीन मैनुअली। Now the world largest complex of Sulabh is in Maharashtra, Pandharpur. इस कॉम्प्लेक्स के अंदर करीबन 1140 वाटर क्लोजर टॉयलेट्स हैं, 350 वॉशरूम है, हैंडीकैप लोगों के लिए अलग है और वीआईपी लोगों के लिए अलग है, और करीबन 100,000 से ज़्यादा लोग इसे रोज़ यूज़ करते हैं। It's a bookcum toilet, a toilet from France.
देयर वाज अ फाइट बिटवीन फ्रेंच पीपल एंड ब्रिटिशर्स. फ्रांस और ब्रिटिश के लोगों के बीच में फाइट चल रही थी और जो फ्रांस के लोग थे वो ब्रिटिश के लोगों को हरा नहीं पा रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किताब ली जिसका नाम दिया मैकबेथ, ऐसी बुक जिसके ब्रिटिश के लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे. दे मेक अ होल ओवर इट एंड दे यूज्ड टू शिट ओवर देयर. उन्हें हरा नहीं पा रहे थे तो ये तरीका था उन्हें ह्यूमिलेट करने का. ये टेबल टॉप टॉयलेट है, जब किंग और क्वीन पिकनिक के लिए और हंटिंग के लिए जाते थे तो इसे अपने साथ लेकर जाते थे. दे यूज़ टू सिट ओवर हियर, ईट ओवर हियर, प्ले कार्ड्स ओवर हियर, एंड वेन एवर दे फील प्रेशर दे यूज़ टू शिट ओवर हियर. दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ मल्टीपर्पज टेबल. नाउ इट्स अ थ्रोन टाइप ऑफ कमर. किंग ऑफ फ्रांस लुई 14 यूज्ड इट. इट हैज़ बीन सैड दैट ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग किंग. बोला जाता है कि बहुत ही मेहनती राजा थे और करीबन 3 से 4 घंटे वॉशरूम में स्पेंड करते थे. तो उन्होंने सिंहासन के नीचे ही टॉयलेट बना लिया. जब वो लोगों से बात करते थे सेम टाइम पे ही यूज टू गेट फ्रेश. ये उनका टाइम था, अपना टाइम बचाने का तरीका था, उनका टाइम बचाने का. बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट. ये सोफा कम टॉयलेट है, यूरोप से है. और जब वो लोग कैसीनो प्ले करते थे तो दे डोंट वॉन्ट टू गो आउट, तो उन्होंने सोफे के नीचे ही टॉयलेट बना लिया था अपना. That one, yeah, right. The throne one. Now, सबसे महंगा टॉयलेट है विश्व का, जो कि $19 million का है. नासा से है, स्पेस में से यूज़ किया जाता है और आपके यूरिन को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करता है ये. ये सुलभ का कॉम्प्लेक्स है ताजमहल में. करीबन 2006 में से बनाया गया था और 2005 में इट कम्स अंडर द टॉप सेकेंड टॉयलेट. विश्व के 10 टॉयलेट में से पहले सेकेंड टॉयलेट पे ही आता है. हाँ जी, अपने साफ सफाई की वजह से और आर्किटेक्चर की वजह से. ये सुलभ का कॉम्प्लेक्स है काबुल अफगानिस्तान में. इसके अंदर 4 सोलर पैनल हैं, 2 बायोगैस प्लांट हैं जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर. ये है स्क्वेट ईज, एक नॉर्मल स्क्वेटिंग टॉयलेट है बट जिसके फुट है वो 30 डिग्री के एंगल पर बनाए गए जिससे कि आपके बैक पे और आपके घुटनों पर कम प्रेशर पड़े. ये सोलर कम टॉयलेट है साउथ अफ्रीका से. इसके अंदर सोलर पैनल है, फैन कंटिन्यूसली मूव करता है तो जो एक्सक्रीटा में से वाटर होता है वो सारा इवेपोरेट हो जाता है. आप उसे नीचे बॉटम ट्रे से कलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद यू कैन मेक अ कंपोस्ट पिट ऑफ इट, फिर आपको एक बैक्टीरिया फ्री स्मेललेस मैन्योर मिल जाएगी. ये पॉटरा पॉटी है, अगर आप पिकनिक के लिए जा रहे हैं तो आप इसे लेके जा सकते हैं. यहाँ से आप पानी डालेंगे, यहाँ से फ्लश करेंगे, सारा एक्सक्रीटा नीचे चला जाएगा, बाद में यू कैन डिकम्पोज इट समवेयर. पोर्टेबल टॉयलेट, पोर्टेबल वन. ये जापान से है, फुली ऑटोमेटिक मॉडल. सेवल फीचर्स है, बटन प्रेस करेंगे क्लीन करता है, बीपी चेक करता है, शुगर चेक करता है, MP3 प्लेयर भी, आप साथ में गाने भी सुन सकते हैं. ये सुजॉक थेरेपी है, डॉक्टर से पारक ने से दिया है कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, किसी मीटिंग में हैं और आपको प्रेशर आता है तो व्हाट यू कैन डू, टेक योर लेफ्ट पाम, मेक दिस डायग्राम इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट स्क्वायर वन, एंड योर प्रेशर विल डिक्रीज फॉर 15 to 20 minutes. ये स्पेनिश टॉयलेट है रोका कंपनी से. इसमें जो आपके वॉश बेसिन है वो एक टैंक के साथ कनेक्टेड है तो वाटर आप जो यूज़ कर रहे हैं टू वॉश योर हैंड्स इज कलेक्टेड ओवर हियर इन दिस टैंक, फिर आप उसे फ्लशिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. ये इंसनलेट है, कम्प्लीटली इलेक्ट्रिकल मशीन है. इसे US में सबमरीन्स में और वाटरशिप में यूज़ किया जाता है. आप जैसे ये बटन प्रेस करेंगे और ये सारे एक्स्ट्रा को चलाकर एक चम्मच राख में कन्वर्ट कर देगा, एक चम्मच राख में कन्वर्ट कर देगा, राइट. सो अब आप किसी भी वाटर बॉडी के अंदर हैं, आप एक्सक्रीटा को रिलीज़ नहीं कर सकते, वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, आप स्टोर नहीं कर सकते, स्टिंग करेगा, तो ये सिर्फ राख में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है. तो इट्स इजी टू स्टोर, बैक्टीरिया फ्री है, ऑडरलेस है, एंड लेटर यू कैन डिकम्पोज इट समवेयर. अब ये है हमारा सेकेंड लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स है सुलभ का, जो कि शिरडी में है महाराष्ट्र में. इसमें करीबन 150 वाटर क्लोज़ टॉयलेट्स हैं, 140 वॉशरूम है, क्लॉक रूम है जहाँ अपना सामान रख सकते हैं और करीबन 30 से 40 हज़ार लोग इसे रोज़ यूज़ करते हैं.
तो भाई जैसे कि अभी हम लोगों ने पूरा म्यूजियम घूम लिया है, आपको भी घुमा दिया है, और बताना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा। और उससे पहले कुछ चीज़ें सचिन आपको बताने वाला है कि किसने ये स्टार्ट किया था, ये सुलभ काम। ये जितना भी म्यूज़ियम आप लोगों ने अभी देखा है इस वीडियो में, और जितनी भी टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई हैं, और इसके पीछे जो आइडिया था और जो काम करने का स्टाइल था, वो था श्री डॉक्टर विद्येश्वर पाठक जी का, जो अभी रिसेंटली केबीसी में भी आए थे, 25 लाख रुपीज़ जीते थे, अगर आपने देखा होगा। करेक्ट। तो ये उन्हीं का स्टाइल ऑफ वर्किंग है, इस टाइप से वो काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। और अब जितने भी सुलभ शौचालय देखते हैं जिसके आगे सुलभ लिखा हुआ है, वो इन्हीं की ब्रांच तो नहीं कह सकते, लेकिन इन्हीं का आइडिया है, उस टेक्नोलॉजी के पीछे। So, नाम पे कोई कॉपीराइट नहीं है ना, कोई पेटेंट नहीं है, तो इसलिए आप बनाओ और लिख दो सुलभ। बिल्कुल, कोई फर्क नाम पे भी और इनके टेक्नोलॉजी पे भी कोई पेटेंट नहीं है। तो अगर इसी नोट पे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, भर देना। और बताइए ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी आप लोग घूमना चाहते हैं हमारे साथ, सजेस्ट करें कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल। और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाय बाय।